वैराग्य शतक ग्रंथ की गाथाएं समापन की ओर हैं। जैसे यह चातुर्मास समापन की ओर है, वैसे ही यह ग्रंथ भी समापन की ओर है। गाथा नंबर 97 पढ़ते हैं। पच्चखमणंत गुणा जिणिंद धम्मेण दोसले सोवी तह विहु अन्नानंधा नरमंति कया वितम्मिजिया। आचार्य कहते हैं पच्चखम अनंत गुणा, प्रत्यक्ष रूप से भी देखें तो जिनेन्द्र धम्मे अनंत गुणा, यानी जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए धर्म में अनंतों गुण दिखाई देते हैं। न दोष लेसो भी, और कुछ भी लेस मात्र भी इसमें दोष दिखाई नहीं देता है। तहव्यु अन्नानंदा, फिर भी देखा जाए तो अज्ञान से जो अंधे लोग हैं, न रमंती कयावि तम्मी, इस धर्म में फिर भी वह कदापि रमण नहीं करते हैं। ऐसे जीव जो अज्ञान अंधकार से युक्त हैं, वह कभी भी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए इस धर्म में रमण नहीं करते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा बताए हुए धर्म में दोष नहीं है, गुण है, और ये गुण आपको प्रत्यक्ष भी दिखाई दे सकते हैं। एक वह होता है कि हम सोच समझ करके, पढ़ लिख करके कोई बात कहते हैं, समझते हैं, और एक होता है कि हम बिना पढ़े भी प्रत्यक्ष से चीजों को देख करके समझ पाते हैं। जब हम कोई चीजों को सुनकर आगम से पढ़कर बोलते हैं तो वह अलग हमारे अंदर श्रद्धा का भाव लाता है, किंतु अगर हम भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म को अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष रूप से भी देखें तो भी हमें उसमें अनंत गुण दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हमारे सामने ये धर्म आता है तो हम आपसे पूछें कि इसमें अनंत गुण क्या हो सकते हैं? आप इतना देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, आपको कौन से इसमें अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं? भगवान के द्वारा बताए गए इस धर्म में क्या आपको अनोखा दिखाई देता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है? इसकी अवधारणाएं, इसकी विचारधाराएं ऐसी कौन सी हैं जो सबके लिए कल्याणप्रद हैं? इस तरह की बातों का अगर हम विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा बताए हुए धर्म में भी अनेक गुण हैं। जब हम भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छी बात क्या दिखाई देती है? मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, आपको बहुत अच्छी बात क्या दिखाई देती है बताइए? केवल बिना सोचे समझे आपको बोलना है जो आपको अच्छी बात लगती है। अगर आपको कोई अच्छी बात लगती है तो क्या हो सकती है, बताओ? कोई कह रहा है आप ही अच्छे हो इसलिए अच्छी बात अच्छी लगती है। अगर हम अच्छे हैं तो इसका मतलब यह है कि अच्छापन हम में नहीं होता है, अच्छापन भगवान के द्वारा बताए गए उस
निर्ग्रंथ रूप में होता है जो उन्होंने बताया। आदमी तो क्या अच्छा होगा, लेकिन जब वही व्यक्ति उस निर्ग्रंथ रूप को धारण कर लेता है और भगवान के बताए हुए उस मार्ग पर चलने लग जाता है तो वो अच्छा बनने लग जाता है। जब एक निर्ग्रंथ रूप प्राप्त करके एक सामान्य व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है, अच्छा दिख सकता है, अच्छा भाव कर सकता है, तो ये अच्छाई और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकती है? अगर कोई चीज है तो बढ़ भी सकती है, अच्छाई बढ़ती है तो कहाँ तक ले जाती है? मोक्ष तक ले जाती है। आपको इस निर्ग्रंथ रूप को देख करके क्या अच्छा लगता है? निर्ग्रंथ रूप में आपको कौन से गुण दिखाई देते हैं? चलो हम आज आपसे यही पूछते हैं। अपरिग्रह की भावना दिखाई देती है, कोई कह रहा है भगवान दिखाई देते हैं, सभी के लिए करुणा दिखाई देती है, निर्ग्रंथ रूप को देखकर आपको क्षमा भाव दिखाई देता है, निर्विकार भाव दिखाई देता है, रत्नत्रय भी दिखाई दे जाता है। अच्छा, बहुत पढ़ी लिखी हो गई। इस निर्ग्रंथ रूप को देख करके आपको रत्नत्रय भी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? आपके अंदर अगर ये भाव आता है कि ये निर्ग्रंथ रूप हमें तीर्थंकरों ने बताया, जिनेंद्र भगवान ने बताया, और इस धर्म को जो लोग पालन कर रहे हैं वह अनेक अनेक रूपों में हमें अनेक अनेक गुणों को दिखा रहे हैं, तो आप समझो कि भगवान ने यह निर्ग्रंथ रूप बता करके भी इस जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया। और यह निर्ग्रंथ रूप भी गुणवान लोगों के द्वारा ही धारण किया जाता है और ये व्यक्ति को गुणवान ही बनाता है। कैसा यह निर्ग्रंथ रूप होता है? जब तक व्यक्ति निर्ग्रंथ रूप को धारण नहीं करता तब तक वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहता है, और ऐसे समझो कि जैसे कोई धूली में पड़ा हुआ कोई जैसे रत्न भी हो और उसके ऊपर कीचड़ लग रही हो, जैसे उसकी कोई महत्ता नहीं रहती, और उसी रत्न को अगर थोड़ा सा धूली हटा दिया जाए, कीचड़ हटा दिया जाए, और उसके ऊपर जो अनेक किट्टिमा लगी हुई है वो हटा दिया जाए, तो वो रत्न कैसे चमकने लग जाता है? अगर आप आचार्य महाराज के जीवन को देखो, विद्याधर की अवस्था में उन्होंने जब अपना गृह त्याग किया और वह देशभूषण महाराज के पास पहले पहुंच गए, और वहां पहुंच करके भी कुछ समय उनके पास में रहे, उनके साथ में विहार भी करते रहे, और जब वे उनके साथ में विहार करते थे तो आप जो अनासक्त महायोगी ग्रंथ है उसमें आपको एक फोटो भी मिलेगी, उसमें वो विद्याधर संघ के समक्ष खड़े हुए हैं कोने में, एक छोटा सा लड़का जैसा, जैसे अपनी फोटो खिंचाने के लिए है ना कह दिया गया बेटा तुम भी खड़े हो जाओ, तो वो भी खड़े हो गए। अब उस समय पर उस विद्याधर को देखो जो उन आचार्य देशभूषण महाराज के संग में हैं, अनेक मुनि महाराज हैं, बीच में आचार्य महाराज खड़े हैं, और वह फोटो आपको अनासक्त महायोगी में देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में वह उनके समक्ष और अनेक श्रावक श्राविकाएं भी बैठी हैं, छुल्लक ऐलक भी बैठे हैं, आरिकाएं भी बैठी हैं, और वहीं पर एक विद्याधर भी खड़े हुए हैं कोने में, है ना? ये चित्र मिलेगा आपको जो बड़ा ग्रंथ है अनासक्त महायोगी, उसमें जिसमें संस्कृत प्राकृत सब लिखी हुई है उसमें, और अगर आपको छोटी सी हल्की सी किताब चाहिए जिसमें केवल हिंदी हिंदी लिखी हुई है तो उसमें शायद ये चित्र न हो। तो आप ये देख सकते हो कि एक व्यक्ति एक छोटा सा बच्चे के रूप में वहां खड़ा है, और उसको आप देख करके क्या कल्पना कर पाओगे? उस फोटो में देख करके आपको कभी नहीं लगेगा कि ये एक छोटा सा बालक आगे चल करके
इतना बड़ा महान व्यक्तित्व का धारी एक महान आचार्य बन सकता है? उस फोटो को देख करके आपको क्या लगेगा? लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में संकल्प के साथ में अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, तो उन्होंने जहां जैसा मिला वैसा किया। बताते हैं कि उस संघ में रहते हुए उन्होंने कभी कभी डोली तक भी उठाई। वे महाराज डोली में भी चला करते थे, उन्होंने डोली तक भी उठाई और वे संघ का सारा काम किया करते थे, चाहे कमंडलू में पानी भरने का काम हो, चाहे चौके का काम हो, जो भी समय पर आवश्यक पड़ता है तो वह सारा काम किया करते थे। और इस तरह से वह बिहार कराते कराते उत्तर भारत से उल्टे दक्षिण भारत तक पहुंच गए थे। स्तव निधि एक जगह, वहां तक पहुंच गए थे। और वहां पर जब संघ पहुंच गया तो लोगों को पता पड़ गया, सदलगा पास में था, माता पिता को पता पड़ गया, विद्याधर अब तो पास में आ गया है, क्या करें, चलो मिलने चलते हैं। तो मल्लप्पा तो मल्लप्पा ही हैं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अपने आप आ जाएगा जब दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो इस विचार से कई दिनों तक तो वो गए नहीं, लेकिन घर के लोग तो घर के ही लोग होते हैं और माँ तो माँ ही होती है। अब इतनी पास में आ गया है, चलो तो कब से देखा नहीं है, देखने चलते हैं, मिलने चलते हैं, और कह कह करके उन्होंने आखिर मल्लप्पा को मना लिया और वह एक दिन वहां पहुंच गए। उससे पहले भी अनेक लोग आस पड़ोस के लोग मिलने आते रहे और जब उन्होंने मिल लिया तो कहा कि अब चलो घर पर, तो उनके लिए बार बार मल्लप्पा कहने लगे अब घर पे चलो, घर पे चलो, यहां पर रह करके क्या करोगे, घर पर बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। और जब उन्होंने देखा कि अब अपन सदलगा के पास में आ गए हैं तो अपनी परेशानियां अब बढ़ गई हैं, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की बातें करते रहते हैं, आते रहते हैं लोग, और वह सब अपना जो है एक डिस्टर्बेंस बढ़ गया है। तो उन्होंने फिर आचार्य महाराज से निवेदन किया, महाराज हमें कहीं यहां से वहीं भेज दो जहां से आप हमें लेकर के आए, हम वहां पहुंचे थे उल्टा, दक्षिण से उत्तर पहुंचे, आप फिर हमें उत्तर से दक्षिण ले आए, और यहां पर आकर के अब ये लोग परेशान करते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ मिलने वाले आते हैं, परिचित लोग आते हैं, तुम्हारा अध्ययन हो नहीं पाता है और आपकी कुछ कृपा हो जाए तो कुछ दिशा निर्देश हो जाए तो कुछ अच्छे से जीवन में सीख पाए, पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। तो महाराज ने कहा बेटा उत्तर ही भारत में चले जाओ, उधर राजस्थान में ही चले जाओ जहां तुम पहले पहुंचे थे, और वहां पर एक आचार्य शिव सागर महाराज हैं उनके पास चले जाना और वो उनके पास पहुंच करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो वो चले गए और उन्होंने अपने जीवन की यात्रा में वह एक लंबी यात्रा भी की फिर से, माने पहले तो वो अपना घर छोड़ करके दक्षिण से उत्तर पहले गए, फिर बिहार करते करते फिर दक्षिण ले गए महाराज देशभूषण, और फिर जो है उनको छोड़ करके फिर से वो फिर गए, और फिर जाने के बाद में जो उन्होंने वहां पर पहुंचे हैं उस समय पर, अब उनके लिए जो भी उस समय पर एक तरह से सात प्रतिमा के उनके व्रत हो गए थे और उसी स्तव निधि पर उन्हें सात प्रतिमा के व्रत मिल गए थे। अब वो ब्रह्मचारी थे, सात प्रतिमा के व्रत थे, वह फिर से यात्रा करते हुए ट्रेन में बैठ करके दो दिन में वह फिर से राजस्थान अजमेर पहुंचे, और जब अजमेर पहुंचे तो दो दिन तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, और वहां पहुंचने के बाद में अगले दिन सुबह जब उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए स्नान आदि करके, उसके बाद में बताते हैं कि खाना पीना तो बाद में, पहले तो भगवान के दर्शन करके पानी पी करके दो दिन के जगे हुए थे, सो पहले तो उन्होंने नींद ली, सो गए, और फिर जब उठे दोपहर में तब जा करके वहां पर उनके एक परिचित पहले से थे, वो श्रावक जिसका नाम अक्सर जानते हो आप लोग आया करता है कजौड़ी मल,
वह कजौड़ीमल श्रावक वो उनके सामने आया और उनसे वार्तालाप हुआ। तब उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है? बोले हमें तो आचार्य शिवसागर महाराज के पास जाना है। बोले वहाँ क्यों जाना है? अध्ययन करने के लिए जाना है, पढ़ना है। तब उन कजौड़ीमल श्रावक ने कहा अगर आपको अध्ययन ही करना है तो हम आपको एक ऐसे मुनि महाराज के पास ले चलते हैं जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। अध्ययन उनके पास जितना श्रेष्ठ होगा उतना किसी के पास नहीं होगा, और वह उन्हीं आचार्य शिवसागर महाराज के शिष्य हैं और आपके लिए उन्हीं के पास ले चलते हैं। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से कह दिया कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जहां अच्छे से ज्ञान अध्ययन मिले वहीं पर मुझे ले चलो, मुझे अपने जीवन में कुछ सीखना है, कुछ करना है। समझ आ रहा है? बोलो तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है? आज धनतेरस मना रहे हैं लोग, समझ आ रहा है? तेरस मना रहे हैं इसलिए यहां तेरहवीं जैसा वातावरण दिख रहा है। धनतेरस आज भले ही बारस है लेकिन लोग आज धनतेरस मना रहे हैं, अच्छी बात है। पर्व आते हैं, लोगों में उत्साह रहता है, और उत्साह लोगों में क्या रहता है, लोग तो उत्साह दिला देते हैं। अब जब दुकानों पे भीड़ होगी तो कहीं ना कहीं किसी दुकान पे कमी तो होगी। तो जब आज धन की दुकान चल रही है तो थोड़ी धर्म की दुकान पे भीड़ कम होगी, धन की दुकान आज ज्यादा मिलेगी। दो दिन बाद यहां पर भी धर्म की दुकान पे भी भीड़ दिखाई देगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जिन लोगों के लिए धन की प्राप्ति की भावना रहती है वो धनतेरस ही मनाते हैं, लेकिन जिन्हें लगता है कि धन से भी बड़ा धर्म है वह धर्म की भी तेरस मनाने के लिए तैयार रहते हैं। और वह धर्म की तेरस क्या बताती है, सबसे बड़ा धन क्या है? ये पैसा, ये दुकानदारी, ये सोना चांदी, ये जो हम इकट्ठा कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, है ना, और ये सब हम एक शौक की तरह या कभी कभी एक ट्रेंड की तरह भी करते रहते हैं। कई लोगों के लिए लगता है कि भाई धनतेरस आ रही है तो धनतेरस पे ही कोई अच्छी ज्वेलरी खरीदेंगे, धनतेरस पे ही खरीदेंगे, कोई अच्छा घर में सेट लाना है तो धनतेरस पे ही लाना है, कोई गाड़ी लाना है तो धनतेरस पे ही लाना है। सुन रहे हो, आज सबसे ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं। तो आपके लिए वह धन किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन अगर आप जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म की ओर देखें तो सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी लक्ष्मी किसको कहा गया? ज्ञान लक्ष्मी, सबसे बड़ी लक्ष्मी कही गई। इस ज्ञान लक्ष्मी के संपन्न हो जाने पर ही धन की संपन्नता बनती है, और अगर ये ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं बनता। वह विद्याधर देखो आप कि ज्ञान के लिए परिश्रम की है अपने जीवन में, बार बार घर छोड़कर के दूसरे प्रांत में जाना, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना, किसके लिए? आप धर्म के लिए एक दिशा से दूसरी दिशा में दौड़ते हैं, और वो किसके लिए दौड़ रहे हैं? ज्ञान के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवा नंदन नंदितम, हमारी आत्मा ज्ञान लक्ष्मी से घनीभूत होकर के भरी हुई है, और अगर हमारे पास में वह ज्ञान लक्ष्मी है तो सब लक्ष्मी अपने पास आएंगी। लक्ष्मी कभी बेवकूफों के पास नहीं जाती, और अगर कहीं भूल से चली भी गई तो तुरंत बाहर निकल जाती है। लक्ष्मी को भी ज्ञानवान लोग चाहिए। लक्ष्मी कहां टिकेगी? ज्ञानियों के पास टिकेगी। कहा जाता है कि लक्ष्मी का आसन उल्लू है, माने वो उल्लुओं के ऊपर सवार है, यानी वह जो आंख से अंधे हैं उनके ऊपर सवार होकर के बताना चाहती है कि तुम अगर ज्ञान से अंधे हो, अज्ञान के कारण से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम्हारे ऊपर बैठ करके हम ऐसे सवारी करेंगे, तुम्हें उसका कोई सुख नहीं मिलेगा। और जिनके ज्ञान चक्षु खुले होंगे उनके सामने सब कुछ होगा। ज्ञान की लक्ष्मी की आराधना करना यह
तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया, जिनेंद्र भगवान के धर्म में बताया गया। धन लक्ष्मी अगर आपके पास में है और आप सोचो कि अगर आपके पास में ज्ञान ना हो क्या कर लोगे बताओ, दुकान चलाने का भी ज्ञान ना हो, कैसे हमें ग्राहकी करनी है, कैसे हमारा व्यापार बढ़ेगा, इसका भी ज्ञान ना हो तो लक्ष्मी टिक जाएगी? किससे टिकती लक्ष्मी? ज्ञान से। ज्ञान हो गया तो समझदारी होगी, सोच होगी, सूझबूझ होगी, और इसी ज्ञान के माध्यम से जब आपकी सोच होगी, सूझबूझ होगी और जब आप लगन से काम करोगे, लक्ष्मी तो अपने आप आती है, उसके लिए बुलाना नहीं पड़ता है दीपक लगा करके, वो अपने आप आती है। हर तीर्थंकर ने हमें यही बताया कि आप अपने अंदर ज्ञान लक्ष्मी को परिष्कृत करो, अपने आप आपके सामने वो लक्ष्मी आने लग जाएगी, जो आप नहीं भी चाहते वो भी आपको दिखने लग जाए। इस ज्ञान लक्ष्मी की आराधना ही की विद्याधर ने की, और आप देखो कि वह विद्याधर ने फिर वह ज्ञान लक्ष्मी की आराधना कैसे की। वह मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के पास में रह करके ऐसी ज्ञान लक्ष्मी की आराधना की कि उन्होंने 2-3 वर्ष में ही इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उन ज्ञान सागर जी महाराज के चले जाने के उपरांत भी आज 50 वर्ष तक उसी ज्ञान की आराधना का फल प्राप्त करके वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवान पुरुष बने बैठे हैं। किसके कारण से? ज्ञान की आराधना। आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान से परिपूर्ण है, और आत्मा का वह ज्ञान ही बढ़ेगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये जिन धर्म में, जिन मत में बताए जाने वाले अनेक गुणों में एक सबसे बड़ा गुण ये आपको देखना चाहिए। निर्ग्रंथ रूप भी अपने आप में एक गुण है, और उस निर्ग्रंथ रूप के साथ में जब आत्मा के ज्ञान गुण की वृद्धि की साधना की जाती है तो वह ज्ञान की वृद्धि ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कराती है। और जहां केवल ज्ञान आत्मा में आ गया वहां सारी लक्ष्मियां, सारा वैभव उनके अधिकार में आ गया, उनके समक्ष खड़ा है। लक्ष्मी जी भी समक्ष खड़ी मिलेगी आपको हाथ जोड़ करके, और आप लक्ष्मी को सामने पाएंगे, लेकिन लक्ष्मी आपकी इच्छा करेगी, आप लक्ष्मी की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास में उससे भी बड़ी लक्ष्मी है, केवल ज्ञान लक्ष्मी। ये केवल ज्ञान लक्ष्मी किसके द्वारा बताई गई, कौन समझाया इसको जगत के अंदर? तो ये भगवान जिनेंद्र देव के धर्म में बताई गई। अगर ये धर्म में जिनेंद्र देव भगवान ने ये केवल ज्ञान लक्ष्मी नहीं बताई होती तो आज हम भी अंधे बने फिर रहे होते, हम भी आज कहीं धन के चक्कर में या तो धन किसी को दे रहे होते या धन किसी से ले रहे होते। लोग आज खुश रहते हैं, धन देकर के भी खुश रहते हैं, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं माल, कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, वो धन त्यागते हैं देते हैं, और दुकानदार इसलिए खुश होते हैं कि आज के दिन दुकानें खूब चलती हैं, लोगों के दिमाग में पड़ा है कि आज हम जो खरीदेंगे वो हमारे लिए अक्षय हो जाएगा। अब सोचो कौन सी वस्तु अक्षय हो जाएगी आपके घर की, कौन सा सोना, कौन सी गाड़ी, कौन से जेवर आपके अक्षय हो जाएंगे। तो ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए गुणों में ये सबसे बड़ा गुण आपके दिमाग में होना चाहिए कि भगवान ने अक्षय धन को नहीं कहा, ज्ञान को कहा। आपका ज्ञान अक्षय हो सकता है, आपका सुख अक्षय हो सकता है, और वह ज्ञान के अक्षय होने पर सुख भी अपने आप अक्षय हो जाता है। अक्षय ज्ञान की प्राप्ति ही केवल ज्ञान कहलाता है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति को ही अक्षय ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। अक्षय ज्ञान माने जिस ज्ञान का फिर कभी विनाश न हो, ऐसा केवल ज्ञान अगर आपकी आत्मा में आ गया तो फिर आपके लिए अक्षय सुख की प्राप्ति भी हमेशा के लिए हो गई, क्योंकि ज्ञान का और सुख का गठबंधन है। किसका?
ज्ञान है तो सुख है, अज्ञान है तो दुख है। और इसीलिए अज्ञान के कारण से दुनिया में हर आदमी कितना ही धनवान क्यों ना बन जाए दुख उठाता है। अपनी दुकान की ग्राहकी से किसी को संतोष नहीं होता जब वो देखता है कि बगल वाले ने तो हमारी दुकान से भी आगे अपनी दुकान निकाल ली, तो वो सोचता है कि मैं इसके भी और एक कदम आगे अपनी दुकान निकालूं। तो दुकान निकालने में तो टेंशन एक दूसरे के लिए देते हैं, लेकिन अगर ग्राहकी होने के बावजूद भी, धन आने के बावजूद भी अगर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, उससे दुखी बढ़ेगा। अपनी दुकान में कितना भी धन आ जाए लेकिन दूसरे के दुकान का ऐश्वर्य देख करके आपको दुख बढ़ने लग जाएगा, और वह दुख आपके अज्ञान के कारण से होगा। तो आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा सुख मिलता है ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करने से। ये जिन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने ज्ञान को प्रकट करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आत्मा का ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, ये केवल जिनेंद्र भगवान ने बताया। और वह आत्मा का ज्ञान बढ़ते बढ़ते इतना ज्योतिर्मय हो जाता है कि उसमें आपको उस दुनिया के सभी पदार्थ, सभी मनुष्य, सभी चेतन अचेतन वस्तुएं सब आपके ज्ञान में दर्पण के सामने जैसे प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण के अंदर जैसे सब कुछ झलकता है, वैसे आपके ज्ञान दर्पण में सब कुछ झलकेगा। इसके लिए पुरुषार्थ करो, और इसी के लिए यह उत्सव आते हैं, इसी के लिए यह सारे के सारे प्रयोजन होते हैं। लेकिन हम अपने धन की चाह में मूल प्रयोजन को भूल करके अन्य प्रयोजनों में लग जाते हैं। भगवान ने भी अगर धर्म की आराधना करते हुए अगर अपने अंदर केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट कर ली, तो जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में सारा वैभव समव शरण के माध्यम से उनके समक्ष खड़ा हो गया। लक्ष्मी के पास में भी इतना वैभव नहीं होगा जितना कुबेर के पास होता है। सुन रहे हो आप, लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हो। धन किसके पास होता है? कुबेर के पास होता है। और कुबेर वह उत्तर दिशा का लोकपाल है जिसके पास में सबसे ज्यादा रत्न होते हैं, सबसे ज्यादा धन होता है। और उस कुबेर को भी आज्ञा मिलती है इंद्र के माध्यम से कि जाओ वहां पर, महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए समव शरण की रचना करो। और इस तरह की वह रचना करना कि दुनिया में कोई भी वैभव संपन्न व्यक्ति अगर वहां पर पहुंच जाए तो उसे लगे कि हमने अपने घर में जो कुछ भी अर्जित किया है वो तो सब तुच्छ है, और यहां पर जो देखने में आ रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा वैभव संपन्न वह समव शरण बनाना, और वह कुबेर बनाता है। किसके लिए बनाता है? तो उन तीर्थंकर भगवान के लिए बनाता है। और इतना सजाता है, इतनी चीजें दिखाता है, इतने उसमें हर जगह जगह पर रत्न तो कहीं रखने के लिए नहीं होते हैं, भूमियां भी रत्नों की बनी होती हैं। हर खंबे वहां पर जो लगे होंगे वो भी सब रत्नों के बने होंगे। जो रत्न आपने कभी एक भी नहीं देखा होगा वहां वह दीवालें, भूमियां, चारों ओर फर्श, अगर कोई वापी भी है, बावड़ी भी है, तो उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी रत्नों की बनी रहती हैं। बहुमूल्य वस्तु का सबसे ज्यादा श्रृंगार अगर होता है तो वह भगवान के समव शरण में होता है। और जिसने भगवान का समव शरण एक बार देख लिया फिर उसे दुनिया की हर संपदा तुच्छ लगने लग जाती है। और उसे सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह होता है कि जिनका ये समव शरण है, जिनके सामने ये कुबेर का खजाना है, वो आंख नीची किए हुए बैठे हैं, नासा दृष्टि किए हुए बैठे हैं। ये गुण अगर देखने को मिलेगा तो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए धर्म में ही देखने को मिलेगा।
त्याग करके भी त्याग का अभिमान नहीं करना और त्याग के फल से ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, ये जिनेंद्र भगवान के धर्म का ही गुण है। आपको तो केवल बाहर का ही रूप इतना अच्छा लगता है, जब बाहर का निर्ग्रंथ रूप अच्छा लगता है तो भीतर की निर्ग्रंथता का रूप तो कितना अच्छा होगा, वो किसको देखने में आएगा? वो किसी को देखने में नहीं आएगा। और वह भीतर की निर्ग्रंथता का रूप अगर निखरता रहता है तो वही रूप निखरते निखरते केवल ज्ञान की ज्योति से जगमगाने लग जाता है। ये सारे सूर्य चंद्रमा उस केवल ज्ञान की ज्योति में ऐसे ही दीपक की तरह टिमटिमाते हैं, जैसे आपके घरों में दीपक टिमटिमा रहे हैं। जब भी आपको दीपक की ज्योति देखने को मिले, अपने घरों में दीपक लगे हुए दिखाई दें, आजकल तो दीपक भी लोग कहां लगाते हैं, इतना घी भी कहां है लोगों के पास में, इतना तेल भी कहां है, दूसरों को बस तेल लगाते रहते हैं, खाने को भी घी नहीं होता है, बुद्धि कुछ है नहीं है, बस प्लास्टिक की झल्लरों से काम चलाते रहते हैं और बस उसी से समझ लेते हैं कि उजाला हो रहा है उजाला हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा उजाला किसका कहा गया है? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजाला। उस ज्ञान के उजाले से बढ़कर के कोई भी उजाला नहीं होता। और हमेशा इस उजाले को जो व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में यह उजाला आता रहता है। जितने भी समृद्ध लोग होंगे सब बुद्धिमान होंगे, उन्हें लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ता है, तो वह समृद्धि उनके पास में अपने आप आती चली जाती है। किसी भी लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति से पूछ लेना कैसे वो काम करते हैं, तो ज्ञान से काम करते हैं, सोच से काम करते हैं, सूझबूझ से काम करते हैं, हमेशा जागृत रह करके काम करते हैं। और वह वही काम करते हैं जो भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए काम हैं। हर व्यक्ति से आप पूछ लेना, अगर व्यक्ति समृद्ध हो रहा है तो वह जानता है जितना हम दूसरे के भलाई के लिए काम करेंगे, जितना हम दूसरों को देंगे, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोच करके काम करेंगे, हमारी समृद्धि उतनी ही अधिक बढ़ेगी। समृद्धि धन से नहीं बढ़ती है, समृद्धि ज्ञान से बढ़ती है, विवेक से बढ़ती है, अच्छी समझ से बढ़ती है। और ये समृद्धि अगर अच्छी आपके पास में है तो आपके पास हमेशा दिवाली है। एक दिन की क्या दिवाली मनाना, हम लोग तो उस इंतजार में बैठे हैं कि बस एक दिन वो आए कि जिस दिन बस एक भीतर से बस वो ज्योति जल जाए और उस ज्योति जलने के बाद में फिर कभी कोई अंधकार सामने टिके ही नहीं और हमेशा दीपावली अनंत काल के लिए मनती रहे, ऐसी ज्योति के इंतजार में यह निर्ग्रंथ रूप धारण किया जाता है। और इसकी साधना इस निर्ग्रंथ रूप से की जाती है। यह गुण जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म में उनकी वाणी में ही है। सृजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।